हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के लेके आऊँ, जिससे कि आपको जो भी बेनिफिट हो आप बेनिफिट ले सको। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आज का सबसे रिलिवेंट जो आजकल टॉपिक चल रहा है, ESG। तो आज हम बात करेंगे ESG क्या है, क्यों इतना ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं और कैसे वो इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है, और ये कैसे इंटीग्रेट कर रहा है किसी चीज को लेके, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वही है कि व्हाट इज ESG। ESG क्या है? तो ESG का जो फुल फॉर्म है, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूं कि किसी टॉपिक को, किसी पॉइंट को आप अगर 10 बार रिपीट करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका थोड़ा आंसर निकल के आता है। अगर इसको आप, जैसे ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन अगर जब करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री इन तीन चीजों पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। क्या क्या है? इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इन्वायरमेंटल क्या है, ठीक है, सोशल क्या है और गवर्नेंस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको दूसरा वर्ड बोला जाता है, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स हम कैसे उसको अपने इन्वेस्टमेंट को सोशली, इन्वायरमेंटली और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं उसको भी देख के हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को करें, ताकि हमारा ये जो इन्वेस्टमेंट हो या जो काम हो वो सस्टेन रहे, उस पर किसी तरह का कोई इफेक्ट ना आए। ये कंटिन्यूअस, मान लीजिए ऐसा तो नहीं है कि आज हम बिजनेस कोई लगा रहे हैं और कल उस पे किसी कारणवश, या SIA की वजह से, या EIA की वजह से, या किसी गो, जैसा कि पहले हमारा एक स्टडी होता है EIA, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, SIA, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, वही सेम चीज है। हमको इन उन्हीं चीजों को रेफर करना है। पहला इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल मतलब क्या है कि हम जो वेस्ट एंड पॉल्यूशन है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस का इमिनेशन आ रहा है, जो भी क्लाइमेट चेंजेस अगर हमारे काम के वजह से क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसको हम कैसे उसको मिनिमाइज करें और कैसे उसको चेंज कर रहे हैं, वो उसका पार्ट होता है इन्वायरमेंटल का। हम उसको, हमारा वो उसको देख रहे हैं, ये क्या है, इंटीग्रेटेड है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। सोशल में जो आपके वर्कर काम कर रहे हैं, वेल्फेयर क्या हो रहा है, किसी के ऊपर हेल्थ तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, किसी से कंफ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई ग्रेवियांस तो नहीं आ रहा है, ये सारी चीजें सोशल में के अंतर्गत देखा जाता है। मान लीजिए कि हम जो कंपनी काम कर रहे हैं, हमारे काम के वजह से किसी किसी के ऊपर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है, प्रभाव दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो निगेटिव प्रभाव ज्यादा तो नहीं पड़ रहा है उसका, ठीक है, जो एम्प्लॉयज हैं वो भी ह्यूमन बींग है, वो भी सोशली हैं, उनका फैमिली है या आजू बाजू का जो जो हमारे आसपास के जो पड़ोस के लोग रहते हैं वो हैं, या फैक्ट्री के आसपास के लोग, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें सोशल में आता है, ठीक है। अब गवर्नेंस, गवर्नेंस के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट का लीगल प्रोसीजर है, गवर्नमेंट का जितना लीगल प्रोसीजर है, लॉज हैं, वो सारी चीजें इनमें आती हैं, ठीक है। आप कोई रॉबरी तो नहीं कर रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा है, कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का रूल तो नहीं ब्रेक कर रहे हो, ये सारी चीजें उनके अंतर्गत आती हैं। तो अगर इसमें से कोई भी चीज अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं, उसको अगर हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा,
इन्वेस्टमेंट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। मान लीजिए हम इन्वेस्टमेंट कर ही दें या इन्वेस्टर कोई इन्वेस्टमेंट कर ही दे, कोई भी कंपनी वाला अगर इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो वो तो नहीं सोचेगा ना कंपनी बंद हो जाए या किसी कारणवश उस पर स्टे आ जाए या कोई लीगल ऑब्लिगेशन आ जाए। तो उसके लिए इसका स्टडी होना बहुत जरूरी है। ओके, मैं एक इसमें फोटोग्राफ्स के अनुसार आपको दिखा रहा हूं। देखिए ये इंटरकनेक्टेड है, सारे एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के साथ दूसरे का प्रभाव पड़ता है। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे कंपनी के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ उसके इफेक्ट आएंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। होप मेरे द्वारा जो भी शॉर्ट में जो जानकारी दी गई है आपको पसंद आया हो। प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को, मेरे जो भी टॉपिक है सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।